नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने अपने पेटीएम पोस्टपेड का पैसा नहीं चुकाया तो आपके साथ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताएंगे कि अगर आपने अपने पेटीएम पोस्टपेड का पैसा यूज कर लिया है और वो आपने पेटीएम को रिफंड नहीं किया है तो आपके साथ क्या क्या कार्रवाई पेटीएम कर सकता है, ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के साथ शेयर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा विदाउट स्किप के, क्योंकि अगर आप पेटीएम इस्तेमाल करते हैं या आप पेटीएम पोस्टपेड इस्तेमाल करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, पेटीएम ने एक बहुत ही अच्छी सुविधा चलाई है पेटीएम पोस्टपेड, जिससे वो हमें कुछ अमाउंट हमें देता है, चाहे हमने केवाईसी करा रखी है तो भी हमें वो अमाउंट देता है, और अगर हमने केवाईसी नहीं करा रखी है तो भी वो कुछ अमाउंट हमें यूज करने के लिए देता है, और वो एक महीने के बाद में हमसे दोबारा से वो अमाउंट रिटर्न मांगता है। तो देखिए, बहुत ही अच्छी सुविधा है कि हम उस अमाउंट को एक महीने तक हमारे जो भी अटके काम है वो उससे निकाल सकते हैं, और जैसे हमारे पास पैसा आ जाए तो हम दोबारा से वो पेटीएम को लौटा सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छी क्रेडिट स्कीम ये हमें दे रखी है पेटीएम ने, जिसका हम सदुपयोग लें तो ये बहुत ही हमारे लिए लाभदायक साबित होती है, और अगर हम इसका दुरुपयोग लें तो ये हमारे लिए दुखदायक भी साबित हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये सुविधा मैं तो आपको ये बोलूंगा कि अगर हमें ये अच्छी फैसिलिटी पेटीएम दे रहा है तो हम इसको सदुपयोग में ही काम में ले, दुरुपयोग में हम इसका काम में नहीं ले। पहले मैं आपको बता दूं कि आप पेटीएम पोस्टपेड का पैसा कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आप पेटीएम पोस्टपेड अगर आपने केवाईसी करा रखी है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप नॉन केवाईसी हैं तो भी आप पेटीएम का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। पेटीएम पोस्टपेड का पैसा आप रिचार्ज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप मोबाइल रिचार्ज करना चाहें या अपना डीटीएच रिचार्ज करना चाहें या अपना कोई भी डाटा कार्ड आप रिचार्ज करना चाहें या अपना एक्स वाई जेड कोई भी रिचार्ज हो, चाहे पोस्टपेड हो चाहे प्रीपेड हो, वो आप रिचार्ज करना चाहें तो आप पेटीएम पोस्टपेड के माध्यम से आप रिचार्ज कर सकते हैं। और दूसरा, हम इसके अंदर पेट्रोल वगैरह करवाना चाहें तो हम पेट्रोल पंप का स्कैन कोड को स्कैन करें और हम उसको पे कर सकते हैं, या आप किसी मॉल के अंदर आप परचेजिंग करना चाहो तो वहां का आप बार कोड स्कैन करके इससे पेटीएम पोस्टपेड से पे कर सकते हो, या आप पेटीएम मॉल से किसी प्रकार की कोई परचेजिंग करना चाहो तो आप वो भी वहां से परचेजिंग कर सकते हो, या आप कोई ट्रेवल करना चाहते हो और आपको ट्रेवल की बस वगैरह कुछ बुक करानी है या ट्रेन वगैरह बुक करानी है तो आप इस पेटीएम पोस्टपेड के पैसे को इस्तेमाल उसके अंदर भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब करिए और बेल अलर्ट को एक्टिवेट करिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले इंटीमेशन आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, काफी सुविधा हमें ये दे रहा है, काफी उपयोग हमें ये दे रहा है पेटीएम पोस्टपेड, तो हम इसका सदुपयोग ही लें। अब मैं आपको बता दूं कि आपको नॉन केवाईसी हो तो आपको पेटीएम कितना पैसा आपको यूज करने के लिए देता है। देखिए, अगर आप नॉन केवाईसी हो, अगर आपने अपने पेटीएम की केवाईसी नहीं करा रखी है तो पेटीएम पोस्टपेड में आप 100 रुपए से लेकर 600 रुपए तक आप उसके अंदर प्राप्त कर सकते हो, जो कि आपको अगले महीने लौटाना होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पेटीएम पोस्टपेड के अंदर 100 रुपए से लेकर 600 रुपए तक आपको मिलेंगे, जो आपको एक महीने के बाद में आपको लौटाना होगा। आप अपने जो भी अटके काम है आप उससे निकाल सकते हो, रिचार्ज से संबंधित, ट्रेवल से संबंधित, या ऑनलाइन कोई भी आपको परचेसिंग करना है या आपको कोई अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है तो वो भी आप पेटीएम पोस्टपेड के माध्यम से आप सबमिट कर सकते हो, लेकिन वो आपको एक महीने बाद विदाउट इंटरेस्ट आपको पेटीएम को लौटाना होगा। अगर आप एक महीने के बाद में डिले करते हो तो आपको उसके ऊपर कुछ परसेंट इंटरेस्ट आपको पेटीएम को देना होगा। अगर आप नहीं देते हो तो देखिए क्या नुकसान है इसके। पहला तो यह है कि ये पेटीएम पोस्टपेड है, ये पेटीएम का पैसा नहीं है, ये आईसीआईसी बैंक का पैसा है और आईसीआईसी बैंक से ये टाइप है, तो वो पैसा बैंक का है ना कि पेटीएम का। बैंक आपको पेटीएम पोस्टपेड के अंदर उधारी पैसा देता है, लोन के रूप में पैसा देता है, जो कि एक महीने के बाद में आपको दोबारा से बैंक को लौटाना होता है, और अगर आप नहीं लौटाते हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 100, 200 या 500 या 600 रुपए आप नॉन केवाईसी को, लेकिन आपको 600 रुपए आप यूज कर लोगे और नहीं लौटाते हो तो नेक्स्ट टाइम कभी भी भविष्य में आप किसी प्रकार की लोन की अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो नंबर आपने जिससे लोन के लिए अप्लाई किया था
या आपने जिससे पेटीएम पोस्टपेड का लोन लिया था वो नंबर वो हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगा, और उस नंबर के ऊपर आप किसी भी प्रकार के लोन की, कोई भी, चाहे वो फाइनेंशियल लोन हो, चाहे होम लोन हो, या एक्स वाई जेड कोई भी क्रेडिट लोन हो, आप उसकी अप्लाई नहीं कर सकते, और वो आपको नंबर को परमानेंट ही आपकी जो रैंकिंग है वो डाउन कर देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम भविष्य में आपको उस मोबाइल नंबर के ऊपर कोई भी आप अल्टरनेट नंबर में डालो यूज, या आप उसको मेन नंबर के अंदर यूज करो, तो उस नंबर के ऊपर आपको किसी प्रकार का लोन सेंक्शन नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ा नुकसान है। अब 600 रुपए के लिए आप अपने नंबर को हमेशा के लिए परमानेंट ब्लॉक करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है। और अगर आप 600 रुपए यूज करने के बाद में और एक महीने के बाद में विदाउट इंटरेस्ट अगर आप पेटीएम को लौटाते हो, तो ये मान लीजिए आगे आने वाले टाइम में पेटीएम आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज करता चला जाएगा और 600 की जगह आपकी 6000 रुपए भी हो जाएगी। तो ये हमारा एक क्रेडिट है जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एक महीने के लिए मिलता है। हम उसको सदुपयोग लें तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और अगर हम दुरुपयोग लेंगे तो मैंने आपको नुकसान बताया कि आपके नंबर को परमानेंट ही वो नेक्स्ट टाइम किसी प्रकार का लोन अप्लाई कर ही नहीं सकते आप अपने नंबर से, और आपका नंबर हमेशा के लिए लोन सेंक्शन नहीं करवा पाएगा। ये हमारा नॉन केवाईसी का जो नुकसान था वो मैंने आपको बताया। अब देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि अगर आपने केवाईसी करा रखी है तो पेटीएम पोस्टपेड में आपको मिनिमम 500 रुपए लोन आपको मिलेगा, और मैक्सिमम आपको 60,000 तक पेटीएम पोस्टपेड में आपको लोन मिलेगा, जो कि आपको एक महीने तक विदाउट किसी इंटरेस्ट के, विदाउट किसी चार्जेस के आप उसको यूज कर सकते हो, और जैसे ही आपके पास पैसा आ जाए तो आप अपने पेटीएम पोस्टपेड के अंदर वापस से उसको रिटर्न कर सकते हो। यानी कि आप अपने सारे काम, मैक्सिमम जो भी काम है आपको, सपोज कीजिए आपको 15,000 रुपए आपको पेटीएम पोस्टपेड में मिल गया, तो जो भी आपके अटके काम है आप उस 15,000 रुपए से अपने काम को कंप्लीट कीजिए, और जैसे ही आपके पास पैसा आ जाए 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, या 20 दिन में, या सपोज कीजिए 1 महीने के बाद आपके पास पैसा आ जाए, तो आप उसको विदाउट किसी चार्जेस के पेटीएम पोस्टपेड को वापस रिटर्न कर दीजिए। और अगर आप टाइम टू टाइम पेटीएम पोस्टपेड का पैसा रिटर्न करते हो तो आपकी लिमिट इंक्रीज होती चली जाएगी, और वो मैक्सिमम 60,000 तक आपकी लिमिट हो जाएगी, और वो आप मान लीजिए मैक्सिमम काम आप अपने उसके पेटीएम पोस्टपेड से निकाल सकते हो, और अपना पैसा वापस से उसको काम निकालने के बाद में लौटा सकते हो, बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी फीस के आप उसको वापस से रिटर्न कर सकते हो। ये तो मान लीजिए आपके सारे काम अटकाने वाले पेटीएम पोस्टपेड एक समय में निकाल सकता है, तो ये इसके सदुपयोग हुए। अगर आप उसका पेटीएम पोस्टपेड का पैसा नहीं लौटाते हो तो देखिए आपके क्या क्या नुकसान है। आप केवाईसी करा रखी है आपने, तो केवाईसी कराते समय आपके डॉक्यूमेंट पेटीएम सारे वेरीफाई करता है, आपकी फोटोग्राफ्स वेरीफाई करता है, आपका आधार कार्ड वेरीफाई करता है, या आपकी वोटर आईडी वेरीफाई करता है, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपने अपने केवाईसी कराने के टाइम पर आपने अपलोड किए थे वो सारे पेटीएम के पास सारे के सारे सेफ रहते हैं। आपका पैन नंबर रहता है, आपका अकाउंट नंबर रहता है, सारे के सारे पेटीएम के पास सेफ रहते हैं। तो अगर आप पेटीएम का पैसा नहीं लौटाते हो, तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि पैसा पेटीएम का नहीं होता है, ये आईसीआईसीआई बैंक का होता है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ही हमें पेटीएम पोस्टपेड के माध्यम से हमें पैसा उधार देता है। अगर आप बैंक का पैसा नहीं लौटाते हो तो उसके रिटर्न में बैंक कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास रहते हैं, वो आपको किसी प्रकार का लीगल नोटिस भेजेगा। अगर आप उस लीगल नोटिस के रिगार्डिंग किसी प्रकार का कोई भी आउटपुट उनको नहीं देते हो, किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं देते हो, तो 2 या 3 बार आपको लीगल नोटिस भेजेगा, उसके बाद में वो आपके नंबर को, आपके खाते को, जो भी आपने उस नंबर से खाते ओपन कर रखे हैं वो सभी खाते को वो ब्लॉक कर देगा, और आपका जो भी लेन देन है बैंक से वो सारे के सारे आपके क्लोज हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें बैंक कर सकता है। ये देखिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट हमने वेरीफाई करा दिए थे, हमने परमिशन दी थी बैंक को हमारा पेटीएम अकाउंट ओपन करने के टाइम पे, तो बैंक के पास ये अधिकार होता है कि आप अगर ऐसा उनके साथ करते हो, किसी प्रकार की कोई चीटिंग करते हो, तो बैंक के पास ये अधिकार होता है कि वो आपके नंबर को अपने पैसा वसूलने के लिए आपके नंबर को, आपके अकाउंट को वो बैन भी कर सकता है, और आपके अकाउंट में जो भी पैसा होगा वो सारा का सारा वहीं पर
अटका रहेगा, ना आप उसको निकाल सकते हो ना ही आप उसको यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट नुकसान तो ये होगा। दूसरा नुकसान ये कि आपके जो भविष्य में जो भी लेन देन आप करने वाले हो, या आप मान लीजिए कोई भी लोन लेने वाले हो, चाहे वो क्रेडिट लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो किसी प्रकार का फाइनेंशियल लोन हो, व्हीकल लोन हो, एक्स वाई जेड जो भी लोन भविष्य में आप लेना चाहते हो, वो लोन आपको आगे के लिए आपके लिए वो मान लीजिए उसका रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वो लोन आपको कभी सेंक्शन नहीं होगा क्योंकि आपने पहले ही अपने लोन के अंदर चीटिंग की है। और वो चीटिंग का ये देखिए ज्यादा समय तक नहीं चलती, आप भी ये जानते हो। हम थोड़ी बहुत चीटिंग कर सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं चलती है। अगर आपने चीटिंग की तो आपका लोन हमेशा के लिए, आप किसी प्रकार का कोई भी भविष्य में अपना लोन अलाउ नहीं करा सकते हो, सेंक्शन नहीं करा सकते हो, अप्रूव नहीं करा सकते हो। ये दूसरा नुकसान हुआ। और तीसरा नुकसान ये कि अगर आपके घर के नजदीक किसी प्रकार का कोई भी ऐसे बैंक की ब्रांच है तो बैंक आपके घर के ऊपर भी विजिट कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि आपने पेटीएम की केवाईसी कराते समय जो डॉक्यूमेंट दिए थे उसके अंदर आपका सारा एड्रेस प्रूफ होता है विथ आपकी फोटोग्राफ्स के साथ, तो बैंक के पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके सेफ रहते हैं और वो आपके घर के ऊपर भी विजिट कर सकता है। और घर के ऊपर विजिट किया बैंक ने तो आप समझ सकते हो कि बैंक अपना पैसा छोड़ने वाला नहीं है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इस पेटीएम पोस्टपेड का सदुपयोग लीजिए, दुरुपयोग लेने की सोचिए मत। तो बैंक पैसा देना जानता है तो बैंक पैसा लेना भी जानता है दोस्तों। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप पेटीएम पोस्टपेड में आपको जो भी क्रेडिट मिलती है, चाहे वो 1000 की हो, चाहे वो 5000 की हो, आपकी 50000 की या 60000 की आपको क्रेडिट बैंक दे रहा है, तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए और जैसे ही आपके पास आ जाए वो पैसा आप उसको वापस से रिटर्न लौटा दीजिए, ताकि आपका नेक्स्ट टाइम में भविष्य में या आपके आने वाले समय में किसी प्रकार की आपकी लोन में या एक्स वाई जेड कोई भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है आपके सामने उत्पन्न नहीं करे बैंक, और आपका काम है बहुत ही स्मूथली पूर्वक चलता रहे। तो देखिए ये हमारा अटके काम को निकालने के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी हमें पेटीएम ने, पेटीएम पोस्टपेड। और आप इससे एक बार तो अपने सारे मैक्सिमम जो भी काम अटके हुए हैं वो सारे के सारे आप निकाल सकते हो, और जैसे ही आपका काम निकल जाए और आपके पास पैसा आ जाए आप दोबारा से अपना वो पैसा बैंक को लौटा सकते हो या पेटीएम पोस्टपेड को वापस से वो पैसा लौटा सकते हो। कैसे ये पैसा लौटाएंगे ये आपको हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कि आपको हमने बताया कि क्या अगर आप अपने पेटीएम का पैसा नहीं लौटाओगे तो क्या असुविधा आपको हो सकती है, वो मेरे ख्याल से इस वीडियो में आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ में बेल अलर्ट भी एक्टिवेट करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इंटीमेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।